साले हरामी दारू पी के रोड पे देखिए बोतल फेंके हुए हैं, दारू का बोतल देख सकते हैं फेंका हुआ यहाँ पे। इसके वजह से साला हमारा गाड़ी का जो टायर फट गया है। ये देखो भाई, हटो 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 दिखाए, ये देखो भाई, ये देख रहे हो, ये देखो इन लोगों के वजह से गाड़ी वाले और परेशान हो जा रहे हैं। एक तो साला कमाई नहीं मार्केट में, किस्त भरने में हालत खराब हो जा रहा है आदमी लोग का। यहाँ पे साला दारू पी के रोड पे बोतल फेंके हुए भाई। आज के डेट में अगर आप टायर खरीदने जाओ ना तो पता है टायर कितने का मिलता है? 9,000 रुपए का टायर हो गया, जेके टायर। ये लगाना है डोर वाइजर। काफी कमेंट आप लोग आया कि भाई डोर वाइजर लगाइए, डोर वाइजर लगाइए। तो फाइनली आ चुके दुकान पर, अपना डोर वाइजर भी भाई निकल चुका है बाहर। काफी सारा आप लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि भाई गाड़ी में डोर वाइजर कब लगवाएंगे, तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि हम अपने गाड़ी में डोर वाइजर लगाने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट में काशी को लेके बाहर, गाड़ी का साफ सफाई भी करना था लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया था। तो चलिए फटाफट निकला जाए भाई। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करें, चैनल पर अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोर वाइजर लगाने के बाद देखते हैं गाड़ी कैसा लुक आता है। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, पट्टी अगर सब कुछ सही है, लेकिन एक बार डोर वाइजर भी लगा के देखिए कितना लुक में चेंज आने वाला है। तो चलिए फटाफट निकलते हैं अपने कॉलोनी से। भाई निकल पड़े हैं और छोटा दरवाजे क्या लिया है देखिए, अंगूर। अंगूर खाते हुए गाड़ी चलेगा भाई, ये देखो। सो फाइनली पहुंच चुके टेंगरा मोड़ चौराहा। देखो भाई ये देखो, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है कि यहाँ से उखड़ के यहाँ तक चला आया भाई। ये देखो, यहाँ से उखड़ के यहाँ पे चला आया भाई साहब। ट्रक का क्या हालत हुआ होगा? डिवाइडर तो खाया है, या तो ट्रक या तो फिर जो गाड़ी से लड़ा होगा उसका क्या हालत हुआ होगा भाई। नारायणपुर मार्केट पहुंच चुके, छोटा भाई गया दुकान पे, पता कर लिया कि यहाँ पे डोर वाइजर मिल जाएगा। तो चलते हैं, पहले गेट बंद करते हैं फिर निकलते हैं दुकान पे। फाइनली आ चुके दुकान पर, अपना डोर वाइजर भी भाई निकल चुका है बाहर। तो छोटा भाई चेक कर रहा है कहीं भी टूटा करा तो नहीं है, क्योंकि भैया का एक नुकसान भी हो चुका है। ये देखिए गोदाम से भी जस्ट निकाला, हमें दिया तो पता चला ये वाला टूटा हुआ है। ये देखिए, तो क्या है ना कि भाई प्लास्टिक का सामान है, आने में कहीं लड़ मिल गई होगी, कहीं सट गया होगा, टूट टूट गया होगा। तो ये अपना वाला, ये वाला है, ये लगाना है डोर वाइजर। काफ़ी कॉमेंट आप लोग आया कि भाई डोर वाइजर लगाइए, डोर वाइजर लगाइए। तो आप लोग एक कॉमेंट और करिएगा कि भाई ये आपके यहाँ पे कितने रुपए का मिलता है, ठीक है? तो हम देखते हैं कितने का मिलता है। दाम अगर भैया से किया नहीं है तो दाम अगर करते हैं तो बताते हैं। पकड़ो अपने, तो ये डोर वाइजर है ना भाई, ये मिला हमें टोटल 400 रुपए का, 2 पीस। हाँ भैया ने टेप वगैरह सब लगा हुआ है इसमें, मतलब भैया बोल रहे हैं कि टेप लगा हुआ कंपनी से नहीं आता है, अलग से लगाते हैं ये वाला। अच्छा ये बुलेरो स्टिकर, अच्छा स्टिकर वगैरह तो देख सकते हैं, स्टिकर वगैरह भैया अलग से लगवाए हुए हैं इसमें। अच्छा, इसका थोड़ा सा ना अच्छा शो लग रहा है, मतलब देखने में और अच्छा थोड़ा लुक लग रहा है इसमें, क्योंकि बुलेरो लिखा हुआ है ना। ये तो चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे भाई ये चीज़ कितने का मिलता है। अपने वाराणसी में तो भाई 400 रुपये का है, अब नदेसर में जाते तो वहाँ का रेट थोड़ा बहुत कम मिलता, पता नहीं लगभग 400-350 का तो मिल ही जाता है इस जगह पर। तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो भैया को पेमेंट करते हैं फिर निकलते हैं अपने गाड़ी के पास, इसको लगाते हैं, देखते हैं लगाने के बाद कैसा लग रहा है आप। तो छोटा भाई लेके जा रहा है, अब लगाने वाले अपने गाड़ी में डोर वाइजर भाई। चलो लगाओ लगाओ, पहले लगाओ। हाँ कहाँ पूछना पड़ेगा,
देख सकते हैं लगने के बाद कुछ इस तरीके से अपना गाड़ी का लुक आने वाला है। तो लगाओ फटाफट ब्रोदर 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 लगाओ जल्दी से। अच्छे से देख के लगाना क्योंकि एक ही बार लगाना है, ठीक है। बाहर खोल लो, चलो चलो। वो ज़्यादा ऊपर लगी है क्या? ठीक है, देखो परफेक्ट नहीं लग रहा है। महादेव बढ़िया है तबीयत? बस आ रहे हैं आप ही के पास, देखिए गाड़ी लड़ गई है। हाँ आ रहे आ रहे। सो फाइनली भाई एक गेट का अपना लग चुका है कंप्लीट, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है लगने के बाद। तो चलिए अभी फिलहाल उस वाले गेट का लगाने का हो रहा है तैयारी। आपका काम है, अभी अंदर आ रहे हैं, बहुत सारा काम करना है आपको, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो नहर में पानी आता है बाबू उसमें नहा सकते हैं? हाँ। कैसा पानी है? बढ़िया। इसको भी थोड़ा बताओ यार, ये बोला खराब पानी है गंदा पानी है। अरे गजब है, वही गंगा जी से निकल जाता है ना। लेकिन सुन लिए तो भाई, आज हम लोग सोच रहे कि नहर में नहाएंगे, मस्त मजा आने वाला है। चलिए पहले इसको लगाते हैं, काम कंप्लीट करवाते हैं। तो फाइनली दोनों ही गेट का हो चुका है कंप्लीट, डोर वाइजर देख सकते हैं। ये देखो भाई, ये देखो आप लुक चेक कर रहे हो कितना अलग लुक लग रहा है गाड़ी का भाई। तो फाइनली भाई अपने दोनों ही गेट पे डोर वाइजर लग चुका है, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देख सकते हैं हमें तो काफ़ी प्यारा लुक लग रहा है भाई, ये देखो। हाँ दोनों गेट बंद करो ये वाला। कमेंट करके बताइए भाई आप लोग। तो भाई इधर तैयार हो रहा है न्यू महिंद्रा, देख सकते हैं 1.7T। ये देखो भाई इसका न्यू ढालागरा बनाया जा रहा है, ये देखिए काफ़ी मजबूत है। पूछते हैं भाई इसको बनाने में कितना खर्चा आ जाता है। चचा ए चा, इसको बनाने में कितना खर्चा आता है ऐसा ढाला कुछ बताइए ना। झूठ बोलते हैं खाली, 50,000 लूटने वाला काम करते हैं बच्चों से। हाँ सही सही नहीं बताते हैं। तो इनका कहना है कि 50,000 रुपये लगेगा, लेकिन पूछ के अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ का बॉडी बन रहा है, ये देखिए बनारस में ऐसा ही बॉडी चलता है भाई अपना। ये देखो ये भाई न्यू महिंद्रा 1.7T मतलब 1.3। ये देखो भाई भाई गाड़ी खोलते ही ना गाड़ी के अंदर का खुशबू कुछ अलग लेवल का है, मतलब जब नया गाड़ी होता है ना तो उसका खुशबू कुछ अलग होता है। तो देख सकते हैं ये तो भाई महिंद्रा कंपनी की तरफ से मिलता है भगवान। तो यहाँ पे साथ गणेश जी का मूर्ति अगर कुछ होगा, हाँ देखिए यहाँ पे है ना प्रसादी है और गणेश जी का मूर्ति नहीं दिया है क्या लग रहा है? नहीं, तो इसमें गणेश भगवान का मूर्ति ये वाला मिला हुआ है, यहाँ पे लगा दिया गया है। ये देखिए कितना प्यारे हमारे गणेश जी लग रहे हैं, यहाँ पे चिपका दिया गया इनको। और ये कुछ अंदर का सीन देख सकते हैं, पूरा पीछे का जो है लाइट अगर खोल के भी रखा गया है क्योंकि अभी हो रहा है गाड़ी का ढाला तैयार। तो ये देखिए पीछे का लाइट अगर इंडिकेटर अगर पूरा खोल के रखा गया है। तो चलिए इसको इधर साइड में रख देते हैं हम। ये देखिए कुछ गाड़ी का ये 1.7T अपना, ये क्या बना रहे हैं? साइड वाला सीढ़ी बन रहा है, साइड में जो लगता है डोर गाड़ी में। अच्छा अच्छा भाई, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये गाड़ी को रेडी करने में टोटल 45,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें रहेगा आपका ऊपर का बॉडी वगैरह सब बनेगा और नीचे इंगल वगैरह लगा रहेगा। और एक चीज दिखाते हैं आपको, ये भी अलग से रहेगा और यहाँ पे पट्टी भी रहेगा। ये जो पट्टी आप देख रहे हैं अलग से, इसको लगवाना काफी जरूरी होता है क्योंकि इसको नहीं लगाएंगे ना तो ये जो कंपनी का बॉडी है जल्दी खराब हो जाएगा। तो आप लोग अगर ढाला बनवाते हैं तो इसको आप जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको नहीं लगाया तो खराब हो जाएगा काफी जल्दी। हमारे गाड़ी में भी हमने लगवा रखा है। तो बता दें 45,000 रुपये में ये सब काम पूरा कंप्लीट मिलेगा एंड पेंट भी साथ में रहेगा। तो पेंट और ढाला बॉडी अगर सब बना के आप यहाँ से गाड़ी लेके निकलेंगे तो 45,000 रुपये आपको यहाँ पे करना है। तो काफ़ी सही है रेट, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। 45,000 रुपये में आपको पेंट अगर हो के गाड़ी रेडी मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा रेट नहीं है भाई। जाओ जाओ जाओ, कट जाए गाड़ी, पूरा पूरा बैग जाना होगा भाई।
नहीं आगे जाके वहां से काट लो। जाओ 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 बस बस करो बस करो। गाड़ी को निकालना है हमारे गाड़ी को, तो वो गाड़ी को देखिए धक्का मार के आगे करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी थोड़ा खराब है भाई। छोटा वाला भाई भी लगा हुआ है। आ जाओ निकल जाएगा। इधर से जा रहे थे घर के तरफ, ये सब साले हरामी दारू पी के रोड पे देखिए बोतल फेंके हुए हैं। दारू का बोतल देख सकते हैं फेंका हुआ यहाँ पे। इसके वजह से साला हमारा गाड़ी का जो टायर फट गया है, ये देख रहे हो दारू का बोतल है भाई। चूतिया साले सब देख रहे हो, ये देख रहे हो दारू का बोतल है, ठीक है, फेंका हुआ है। और देखो दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो भाई, हटो दिखाए, ये देख रहे हो ये देखो शीशा इसमें घुसा हुआ है। ये देखो नया टायर भाई फट गया निकाल दिए। अरे यार ही पटा है, छोड़ो। और देखो और कहीं ना पटा है। देखो गाड़ी पीछे करो, ढकेलो गाड़ी ढकेलो ऐसे ढकेलो पीछे, और ढकेलो जाने दो। चलो सही है। इन लोगों के भाई इससे गाड़ी वाले और परेशान हो जा रहे हैं। एक तो साला कमाई नहीं मार्केट में, किस्त भरने में हालत खराब हो जा रहा है आदमी लोग का। यहाँ पे साला दारू पी के रोड पे बोतल फेंके हुए, मतलब आदमी गाली ना देना चाहे ना फिर भी मुंह से गाली निकलता है इन लोगों की वजह से। यार भाई आज के डेट में अगर आप टायर खरीदने जाओ ना तो पता है टायर कितने का मिलता है? 9,000 रुपये का टायर हो गया जेके टायर। अब आप सोचिए फट गई टायर मेरी भाई, फट गई। क्या इन लोगों को बताएं, मन करता है थप्पड़ मारे भाई। तो फिलहाल भाई रुके रास्ते में, थोड़ा सा गाड़ी में हवा वगैरह चेक करवा रहे हैं। हो गया 100-105 कर दीजिएगा। तो फाइनली हवा वगैरह चेक करवा लिया, अब निकलते हैं। फाइनली पहुंच चुके अपने ससुर जी के यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या है कि दोपहर का टाइम है, गाड़ी आप लोगों को पता है कॉलोनी में जगह अगर होगा नहीं तो यहीं पे लगा के जाएंगे घर। तो चलिए पहले गाड़ी को लगाते हैं साइड में। तो चलिए फटाफट अभी घर निकलते हैं, गाड़ी को लगा दिया साइड में, खाना अगर खाएंगे, काफ़ी भूख लग चुका है भाई, दोपहर का टाइम भी है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा अपने ससुर जी के यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आ गए थे, लेकिन हम तुरंत पहुँचे और लेके चले आए क्योंकि अपने कॉलोनी में काफ़ी जगह था। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी को धोने के लिए। और ये क्या चिल्ला रहे हो सुबह क्या चिल्ला रहे हो? हाँ अच्छा, तो चलिए फटाफट अपने बाइक को निकालते हैं बाहर। एंड बाइक को थोड़ा सा जा रहा है अभी कहीं पे, कुछ काम है। एंड पहले गाड़ी धोते हैं क्योंकि भाई हम ये सोच रहे हैं कि अगर अपने हाथ से दोनों भाई धो सकते हैं गाड़ी तो क्या ही फिर बाहर धुलवाना है प्रेशर से। उतना भी गंदा नहीं है, बारिश का सीजन होता तो ज़्यादा गंदा होता है, तो फिर आप बाहर प्रेशर से धुलवा सकते हैं। एंड अभी चलते हैं हाथ से पहले गाड़ी को पूरा साफ करते हैं अपने, एक बार निकलना चाहिए। भाई गाड़ी का साफ सफाई हो चुका है चालू, इधर पानी, इधर मैटिंग, पूरा सब कुछ भाई छोटा निकाल रहा है। तो अभी इसको मैटिंग कर लेके जाएंगे घर पे धोएंगे। अरे नहीं, बोतल खाली दो ठो रखो, बड़ा बोतल एक छोटा बोतल, ठीक है, सब बोतल फेंक दो, सब गंदा हो गया है, खराब बोतल है। इतना धूल हो गया यार, बहुत गंदा हो गया भाई। फाइनली मैटिंग का साफ सफाई हो चुका है। इधर छोटा वाला भाई देखिए मस्त शैम्पू वगैरह मार के गाड़ी रगड़ रहा है। फाइनली अपने गाड़ी का साफ सफाई कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं पूरा। और मैंने ना ये न्यू वाला बाल्टी भी चेंज कर दिया है, मतलब न्यू वाला बाल्टी नहीं यार,
पुराना मल्टी खराब हो गया था, इसको न्यू मैंने चेंज कर दिया। काफी यहाँ भरा हुआ जगह था, स्पेस भी थोड़ा खाली हो गया, थोड़ा खाली खाली रहता है ना, और गाड़ी देखो पूरा हल्का सा लगता है, और जब भरा रहता है तो बहुत गंदा गंदा लगता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा जाना अपने हिमालयन से पोर्सन से मिलने के लिए, क्योंकि कुछ काम है उससे पर्सनली, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने घर पे, खाना अगर खाएंगे, देखते हैं कोई बुकिंग अगर मिलेगा तो निकलेंगे, नहीं तो फिर गाड़ी पर रहेंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं पहले हिमालयन के पास में, पहले नहा धो के निकलते हैं तो बातें करते हैं। तो इधर है अपना गड्डी, लेके निकलते हैं फटाफट, पहले इसको घर पे रख के आते हैं, क्योंकि इसको ढक के रखते हैं, धूप है ना काफ़ी ज़्यादा, तो पेट्रोल अगर उड़ने का भाई डर रहता है इसीलिए। तो चलिए अभी निकलते हैं आगे। चुके हैं अपने भाई के पास में, तो यहीं पे बैठेंगे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, और छोटाला भाई के हॉस्पिटल एक्चुअली अभी काम छोड़ दिए। इसके साथ क्या सीन हो रहा है ना, कि जो काम पकड़ा था इतना वीआईपी काम, इतना मस्त काम था, वो ड्राइवर गया था छुट्टी पे, और हम सोचे थे कि भाई हमेशा के लिए पकड़ा था ना। चलो फिर से काम की तलाश में, फिर से मिलेगा 20 दिन के लिए, 20 दिन काम बढ़िया था, मज़ा आ गया ना, उसी में मिल रहा है काम, हाँ उसी कंपनी में। चलो बढ़िया है, तो चलिए थोड़ा देर बातें करेंगे फिर निकलेंगे घर के लिए, छोटे वाले भाई के हॉस्पिटल। एक्चुअली छोटे वाले भाई का जो वाइफ है ना, उसका तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो मम्मी भी साथ में गई हुई है, तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। फाइनली भाई हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया है, अभी छोटे वाला भाई भी आ चुका है हॉस्पिटल पे, तो फटाफट चलते हैं घर पे, क्योंकि अभी पता है एक बुकिंग का ही बातचीत चल रहा, हो सकता है बुकिंग पे निकलना पड़े। इधर है पोसन, तो निकल जाए भाई। चलो तो फिलहाल निकल रहे हैं, घर चल के बातें करते हैं। बस तो भाई खाना वगैरह खा के सो गए थे, अभी बता दें दोपहर का 3 बज चुके हैं, और अपना एक लोकल भाड़ा कंफर्म हो चुका है, जा रहे भाई गाड़ी को लेके लोडिंग करने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। अभी निकलते हैं तो बातें